आप दसवीं कक्षा भी पढ़ रहे हो। आज संधि के प्रकरण में हम लोग अगला पाठ विसर्ग का र कहाँ कहाँ होता है इस विषय में पढ़ेंगे। र हलंत, पूरा र नहीं, र हलंत। तो इसके द्वारा आपको शब्दों के रूप में जो परिवर्तन होता है और आपको लगता है कि हमारे लिए शब्द बिल्कुल नया है और संधि विच्छेद नहीं जानने के कारण जिस शब्द को संधि विच्छेद हो जाने के बाद अर्थ आप अच्छी तरह लगा लेंगे और इस संधि ज्ञान के अभाव में आप अर्थ नहीं लगा पाते और आप जो है संस्कृत के प्रति उदासीन होने लगते हैं, इसलिए संधि को गौर से पढ़ना, संधि और संधि विच्छेद। अब देखिए विसर्ग संधि में हम लोग चल रहे हैं। अब आइए, ये विसर्ग है और विसर्ग के पूर्व और विसर्ग के बाद देखना है। तो विसर्ग के पहले हर्षय दीर्घ हर्षर्ग दीर्घ ए ऐ ओ औ, ये स्वर होने चाहिए। और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, सर्वे स्वर वर्ण और वयस तथा वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम गज डदब घज डदब इंगण यवर लह, इन वर्णों के बाद में होने पर विसर्ग को र हलंत हो जाएगा, इधर का इधर रह जाएगा, इधर का इधर रहेगा। अब देखिए इसी र को रेफ भी कहते हैं। अब देखिए मुनि क्यों अपि, मुनि में देखिए विसर्ग के पहले ई है और अपि में अ है, वदति में व है, श्री में विसर्ग के पहले दीर्घ ई है और विसर्ग के बाद आ है और इधर तीसरा अक्षर ग है, फिर धेनु उ है विसर्ग के पहले, इसी तरह अंत में आकर के और तक गौ आया थी, इस तरह से दिया गया है। अब मुनि अपि, अब सब आएगा मुनि रपि, ऋषि रपि, कवि रपि, हरि रपि, तो बच्चे को आएंगे रपि क्या है, घबराने लेंगे, लेकिन जो ये संधि का ख्याल रखेंगे कहेंगे मुनि अपि मुनि रपि, मुनि भी मुनि रपि माने मुनि भी, इस तरह का आपका ज्ञान कोश बढ़ेगा। तो स्वर वर्ण है तो र में अ लग गया, ये अ जो है ये र बना है विसर्ग, विसर्ग र हुआ और र से जुट गया, यहाँ पूरा र। अब आगे देखिए मुनि वदति, तो विसर्ग र हुआ और आगे व व्यंजन है, ये र रेफ बन के ऊपर चढ़ा गया, इस तरह र के साथ हुआ। फिर श्री आगता, विसर्ग पहले दीर्घ ही है उसके बाद आ है, तो विसर्ग र होगा, र का रा, श्री आगता, श्री आई, श्री आगता श्री आई, श्री आगता श्री आई, वहां भी यही आते हैं, यहां भी यही आते हैं, यहां संधि हो जाने पर र दिखता है। अब श्री गता र हुआ और ग पर चला गया रे, तो श्री गता, इस तरह तमाम संज्ञा होते होते धेनु इव, धेनु रीव, धेनु ददाती, धेनुर ददाती, र में ही कहा आया है, ये आया है, र कहा से आता है, स्वर्ग हुआ। वधु इक्षते, वधु देखती है, वधु इक्षते, वधु देखती है, वधु भाषते, वधु रिक्षते, ये दीर्घ है तो दीर्घ ही लगी, वधुर भाषते रे बनाना पड़ गया। मुने उक्ति र सौरु, विसर्ग र होगा, मुने उक्ति, मुने धर्म, मुने धर्म, बानरे ही एव, बानरे ही रेव, अभी मिलेगा तो लोग बहुआएंगे नहीं है, जो संधि जानेंगे फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। बानरई निर्मिता, बानरई निर्मिता,
यहां भी रे, यहां भी रे, बुआएंगे नहीं बुआना चाहिए। गुरो रपि, गुरो अपि, गुरो रपि, गुरो वचनम, गुरो वचनम, विसर्ग का रो होगा, विसर्ग का रेफ होगा। गौ आयाति, गौ रायाति, गौ याति, गौर याति, इस तरह से ये संधियां हुई और विसर्ग का रो हुआ। अब संधि विच्छेद करना, हरि रपि का हरि वदति, धीरायाति, इन सारे संधि के पदों को लेकर के आपको विच्छेद करना है और इसी से आपको रास्ता मिलेगा, नियम मिलेगा, करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं सेमोसी पाठ भाग दो के पाठ चतुर्थ से रत संधि के 10 उदाहरण चुनकर विच्छेद करते हुए अर्थ भी लिखें। इस तरह से आज का पाठ आपका पूरा हुआ। संधि में अर्थ हमेशा लेना चाहिए, अर्थ लिए बिना दसम कक्षा का कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है। धन्यवाद। समस्या होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे।